हे हेलो गाइस, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं सोडियम मेटल का एथेनॉल के साथ। दोस्तों जो आप सोच रहे हो वो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इसी वजह से इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस यहां पे मेरे पास एक बीकर है और उस बीकर में मैं डालने वाला हूं एथेनॉल, एब्सोल्यूट एथेनॉल यानी 100% जो है एथेनॉल डालने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर मेरे पास जितना भी एथेनॉल है उतना डाल देता हूं। होता क्या दोस्तों, जब इसके अंदर मैं सोडियम डालूंगा ना तो जो कंपाउंड बनेगा वो मेरे काम काफ़ी ज़्यादा आएगा, काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों मैं इसके अंदर पूरा एथेनॉल जो है जो मेरे पास है वो डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा एथेनॉल डाल दिया है। अब मैं सिंपली करूँगा क्या, इसके अंदर पहले मैं छोटा सा टुकड़ा डालूंगा फिर उसके बाद में इसमें थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा डालूंगा सोडियम का। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों चलिए इसके अंदर से मैं थोड़ा सा सोडियम निकालता हूँ। ग्लव्स पहना नहीं है, मुझे पता है सेफ्टी इज आवर लास्ट प्रियोरिटी, कोई बात नहीं। सबसे छोटा सा टुकड़ा निकालूंगा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हो कि मेरे पास छोटा सा सोडियम का टुकड़ा है, छोटा नहीं है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, इसका छोटा सा पीस मैं काटता हूँ। आपको पता होगा कि सोडियम को जो है नाइफ से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो कितना ज़्यादा साइनी होता है, कितना ज़्यादा साइनी है ये देखो मैंने हाथ से तोड़ दिया। अब सिंपली करते क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैंने छोटे वाले टुकड़े को इसके अंदर डालता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। 1 2 3 तो दोस्तों देख सकते हो कि हमने सोचा था कि एक्सप्लोजन होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चलता है कि हम जब पानी में सोडियम को डालते हैं ना तो एक बड़ा सा धमाका होता है। इंसानी दिमाग यही तो खास बात है उसकी कि मतलब जो वो कंपेयर करता है एक चीज़ों को दूसरी चीज़ से रिलेट करता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे आप देखो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, सोडियम जो है पानी, ये जो हमारा एथेनॉल है इसके अंदर बढ़िया से डिजॉल्व होते जा रहा है। दोस्तों अब मैं इसके पीछे की केमिस्ट्री बताता हूँ, हो क्या रहा दोस्तों। यहाँ पे जो सोडियम है वो एथेनॉल से रिएक्ट कर रहा है और सोडियम एथॉक्साइड नाम का एक केमिकल कंपाउंड बना रहा है। दोस्तों ये जो सोडियम एथॉक्साइड है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरह ही होता है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। आपने अगर पढ़ा हो तो आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, सोडियम एथॉक्साइड। और दोस्तों इसका इस्तेमाल जो है ईथर्स को बनाने में किया जाता है। ईथर्स जो होते हैं दोस्तों एक तरह के केमिकल कंपाउंड होते हैं, जिस तरह से अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, सेम उसी तरह से कुछ ईथर्स होते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है सोडियम जो हमारे इसके अंदर डिजॉल्व हो रहा है। चलिए दोस्तों इसके अंदर मैं बड़ा वाला सोडियम डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ये बड़ा वाला सोडियम है, इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। 1 2 3 तो ये देख रहे हो क्या हो रहा है भाई, इतना बड़ा सोडियम, अगर पानी होता तो अब तक तो हम लोग उड़ चुके होते, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो कितना बड़ा सोडियम जो है रिएक्ट कर रहा है, कितने मतलब कितना वॉलेंट्री रिएक्ट कर रहा है भाई। और यहाँ पे जो गैस निकल रही ना, ये हाइड्रोजन गैस है दोस्तों। अभी ये माचिस सीधे डाल दोगे ना बढ़िया धमाका हो जाएगा, लेकिन वो करने कोई फायदा है नहीं, छोटे मोटे धमाके क्या, हाइड्रोजन सुतली में यही सब में पूरा एक्सपेरिमेंट रह गया। एक्सपेरिमेंट क्या रह गया समझ लो, एक्सपेरिमेंट कहते ही नहीं उसको, मैं आपको दिखाऊंगा कि धमाका किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो कितना विग्रेसली सोडियम जो रिएक्ट कर रहा है एथेनॉल से, और ये जो हमारा सोल्यूशन बन रहा है वो इतना ज़्यादा यूजफुल होता ना केमिस्ट्री में, इतना ज़्यादा यूजफुल होता कि मैं आपको क्या ही बताऊं दोस्तों। वाह यार बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको देख के, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो दोस्तों अगर आपने सोचा था कि सोडियम जो है इसके अंदर डालते ब्लास्ट कर जाएगा, तो भाई प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको ये जानने के बाद कि ये ब्लास्ट नहीं करता है और कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।